उस समय हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, हमारे पिताजी अंधे हुआ करते थे, आर्थिक स्थिति कोई बची नहीं थी। अब दो ही विकल्प था, या तो पढ़ाई करें या फिर पढ़ाई को छोड़ करके दूसरा कोई व्यवसाय करें, व्यवसाय करने के लिए भी पूंजी नहीं था ना। विदाउट इंग्लिश यू कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग ना, इवन दैट इज इंजीनियरिंग और मेडिकल, सो इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई स्टार्टेड माई लर्निंग एज वेल एज टीचिंग इन इंग्लिश। हाँ, BBC स्पोकन वाले जो हैं संजीव कुमार जी, जो अभी BBC स्पोकन प्लस BBC इंग्लिश स्कूल चलाते हैं सिवान में, और बहुत अच्छे राइटर हैं, ग्रामेरियन हैं, बहुत सारे किताबें उन्होंने लिखा है और उनकी किताब की मांग पूरी इंडिया में है, ठीक है। तो यह मेरे लिए बड़ी उपलब्धि है कि मेरे एक प्यूपिल शिष्य होकर के इस ऊंचे मुकाम पर पहुंचे। नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं SEO न्यूज़। नमस्कार, स्वागत है आपका SEO न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ यूनुस। आज व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे महालम सर से। आज टीचर्स डे है और टीचर्स डे के दिन अगर फेवरेट टीचर से बात ना हो तो फिर बात ही नहीं बनती है। आज हम इनके जीवनी पे प्रकाश डालेंगे। 27 सालों से इन्होंने टीचिंग लाइन में, और मैं बता दूं ये पहला टीचर हैं जो कि बहड़िया में 1999 में स्पोकन अपना खोले थे। उसके पहले अपने पैतृक आवास पे, अपने निजी आवास पे इन्होंने स्पोकन चला रहे थे। और ये मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आज अपने टीचर से हम खास बातचीत करेंगे, सर की जीवनी के बारे में हम जानेंगे। चूँकि जो शख्स 27 सालों से इंग्लिश स्पीकिंग करा रहा हो और बहड़िया में पहली बार अपने स्पोकन खोला हो, उस शख्स के बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। चूँकि कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि सर के पास पढ़कर सफल हो गए हैं अब तक। लेकिन फिर हम इनके जीवनी के बारे में प्रकाश डालेंगे। सर अपना क्लास, अपना पढ़ाई बहड़िया से पूरा किए हैं, सिवान से पूरा किए हैं, या आउट ऑफ सिवान भी जाकर अपना क्लास पूरा किए हैं। कितना इनको परेशानियों का सामना करना पड़ा है अपने ज़िंदगी में, हम तमाम बातों पर प्रकाश डालेंगे। और आज 5 सितंबर है, आज टीचर्स डे है और टीचर्स डे पे प्रकाश होगी और टीचर्स डे पे बात होगी महालम सर से। महालम सर, आज टीचर्स डे है और सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई मेरे टीम के तरफ से। आप मेरे गुरु रहे हैं और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत बहुत बधाई सर टीचर्स डे। थैंक यू फॉर दिस ना, आपको सिवान एक्सप्रेस न्यूज़ को बहुत सारे धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप इस लगन से अपने कार्य में प्रगतिशील रहें और लोगों को और जनता को जागृत करते रहें। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल यही रहेगा कि आप इंग्लिश स्पीकिंग कराते हैं 27 सालों से, सबसे पहले आप बिगिनिंग से ही आपका पढ़ाई कहाँ से हुआ, कहाँ तक पढ़ाई की हैं आप? हम तो सर्वप्रथम अपने गाँव बहादुरपुर से ही, राजकीय प्राथमिक विद्यालय बहादुरपुर से पढ़ाई अपना शुरू किए, पहली से लेकर पाँचवीं तक। अभी जो लोगों के अंदर यह दुर्भावना बनी हुई है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन यह गलत धारणा है। सरकारी स्कूल में बहुत योग्य शिक्षक हैं और पढ़ाई अच्छी होती है। बहादुरपुर के बाद हम GM उच्च विद्यालय बहड़िया में 6वीं क्लास में नामांकन लिए और मैट्रिक मैं वहीं से पास किया। उसके बाद इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए नारायण कॉलेज गोरिया कोठी में गया, वहाँ पर फर्स्ट डिवीज़न से पास करके फिर BA ऑनर्स इंग्लिश हम इसको करने के लिए JD इस्लामिया कॉलेज सिवान गए, वहाँ सफल हुए, प्रथम स्थान प्राप्त किए। और स्नातकोत्तर यानी MA की पढ़ाई के लिए हम DAV कॉलेज सिवान गए और वहाँ पर बहुत मुझे अच्छा लगा, वहाँ पर मेरी स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी हुई। और उससे पहले जब मैं स्नातक में था, उस समय हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, हमारे पिताजी अंधे हुआ करते थे, आर्थिक स्थिति कोई बची नहीं थी। अब दो ही विकल्प था, या तो पढ़ाई करें या फिर पढ़ाई को छोड़ करके दूसरा कोई व्यवसाय करें, व्यवसाय करने के लिए भी पूंजी नहीं था। तो मैं अपना स्पोकन इंग्लिश शुरू किया और अपने ग्राम बहादुरपुर बाज़ार में ही स्पोकन इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया। बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ इस स्पोकन इंग्लिश सेंटर से लाभान्वित हुई और यह ईश्वर की कृपा है कि जो भी बच्चे आते हैं 2 से 2.5 माह में बहुत अच्छी तरह से इंग्लिश बोल लेते हैं। सर, आपके पिताजी ब्लाइंड थे, आप जन्म से ही या पहले से? मेरे जन्म से नहीं, मैंने जब मैं होश संभाला तब से मैं उनको अंधा मैं देखता रहा। हम 4 भाई और 2 बहन में सबसे छोटे थे ना, आगे चल करके मेरे पिताजी को मोतियाबिंद हो गया
ना, जिसके वजह से काफ़ी हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, फिर भी हमने अपना स्ट्रगल नहीं छोड़ा। सिवान हो या गोरिया कोठी हो, साइकिल से हम पढ़ने जाते थे। और जहाँ तक बरहरिया की बात है तो बहादुरपुर से बरहरिया प्रतिदिन हम क्लास अटेंड करने के लिए पैदल आया करते थे। बहादुरपुर से बरहरिया पैदल डेली 7 किलोमीटर? जी जी, 7 × 14 किलोमीटर दोनों तरफ से। जी, दूसरा कोई विकल्प था नहीं ना। सर, जब आप एमए में एडमिशन लिए सिवान के लिए क्लास, फिर पैसा नहीं था, उस वक्त कैसे आप क्लास जाते थे? बस साइकिल से जाया करते थे। और उसी बीच हम अपना स्पोकन इंग्लिश शुरू किया, जिससे हाँ पढ़ाई पीरियड में ही स्पोकन इंग्लिश शुरू किया बहादुरपुर में। फिर जब मैं एमए में गया वहाँ पर तो कठिन बहुत परेशानी होने लगी, तो मैं बरहरिया आया और बरहरिया में स्पोकन इंग्लिश का शुरुआत मैंने किया पहली बार। और बहुत सारे बच्चे ना, जो बच्चे मिलते हैं ऊँचे ऊँचे मुकाम पे हैं, इस इंग्लिश के बदौलत बहुत सारे बच्चे इंग्लिश स्पोकन सीख करके विदेश हो गए। और विदेश में जा कर के उनको बहुत मान सम्मान मिला, क्योंकि जो इनके सीनियर थे, इंजीनियर्स थे, फोरमैन थे, पहले इनकी बात को नहीं समझ पाते थे, लेकिन जब हमारे पास आए और इंग्लिश सीख करके गए, वहाँ पर इनकी बात को उन लोगों ने समझा, इनका प्रमोशन हुआ। मुझे बहुत शुभकामनाएं दी, बहुत बधाई दिए, अभी भी बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन सर, जिंदगी में प्रकाश डाला जाए, व्यक्ति विशेष बात हो रहा है, तो क्यों ना बात कीजिए। पढ़ाई पीरियड में आप पढ़ाई और स्पोकन चला रहे थे, इसके अलावा भी कोई बिजनेस था या ऐसे ही आप? नहीं, मेरे पास ऐसा कुछ बिजनेस नहीं था, मुझे ही नहीं था, बिजनेस होगा कहाँ से? अगर व्यवसाय करते तो फिर पढ़ाई मेरी अच्छी तरह से नहीं हो पाती, क्योंकि डेली सिवान साइकिल से जाना था। रोड काफी खराब था सर, काफी, वो तो रोड नाम का चीज ही नहीं था जी। हाँ, रोड नाम के चीज, रोड पर गाड़ी चलती ही नहीं थी, नहीं लगता था कब कहाँ क्या हो जाए, गाड़ी एक्सीडेंट कर जाए, साइकिल का रिंग वगैरह टूट जाए, एकदम हमेशा डर बना रहता था। फिर भी स्ट्रगल करना था, पढ़ाई छोड़नी थी नहीं, और अल्लाह का करम है कि उसी मेहनत के बदौलत आज सुकून की ज़िंदगी मिल रही है। सर, आपको कैसे पता चला देहात एरिया में रह कर भी कि स्पोकन भी होता है, कि इंग्लिश भी बोला जाता है, इंग्लिश भाषा सीखी जाती है? जी, कहाँ से आपका इंप्रेशन मिला? मुझे इंप्रेशन मिला कि जब हम किसी कार्यालय में जाते थे किसी काम को लेकर के, या हमारे मित्र वगैरह जाते थे, तो कोई अफसर जल्दी बात उनके सुनते नहीं थे, लेकिन जब वो जहाँ इंग्लिश स्पीकिंग शुरू करते थे 2 लाइन 3 लाइन, तो अफसर भी लोग, वो लोग भी प्रतिष्ठा की निगाह से देखते थे और समझते थे कि ये विद्यार्थी तेज तरार है, इसका काम करना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं देखा कि इंग्लिश जो है, इट इज़ अ इंटरनेशनल लैंग्वेज ना, विदाउट इंग्लिश यू कांट अंडरस्टैंड एनी थिंग ना, इवन दैट इज इंजीनियरिंग और मेडिकल, सो इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई स्टार्टेड माई लर्निंग एज वेल एज टीचिंग इन इंग्लिश। सर, आप बढ़रिया में जब आए यहाँ पे, तक कितना समय में बढ़रिया में आप आए थे? वैसे तो मैं बहादुरपुर में 1992-93 से स्पोकन चला रहा हूँ, लेकिन 1999 से मैं बरहरिया में आया। यहाँ पर बरहरिया के तरफ के तेतहली, सुरहिया, हरपुर के बच्चे बहादुरपुर पढ़ने जाते थे जी। यहाँ पर इंग्लिश स्पोकन की पढ़ाई नहीं होती थी, अब बच्चे जाते थे, हम देखे कि काफ़ी परेशानी इन बच्चों को हो रही है। ठीक है, ये बच्चे लोग बहुत रिक्वेस्ट किए, वही लोग रूम का इंतज़ाम किए, तो मुझे बरहरिया में आना पड़ा। और बरहरिया आकर के मुझे बहुत खुशी हुई, यहाँ पर बहुत मान सम्मान मिला। सर, 27 सालों में कौन सा ईयर रहा जबकि सबसे ज़्यादा भीड़ आपके स्पोकन में लगा हो 27 साल के? हमेशा भीड़ रहता था स्पोकन के लिए, ज़्यादा सीजन वही अप्रैल, फरवरी, मार्च, अप्रैल रहता है, लेकिन वैसे बहुत बच्चे, पहले मैं 6-6 बजे चलाता था, 3 बजे सुबह में, 3 बजे शाम में, लेकिन अब उम्र का भी तकाजा है और समय अभाव है, क्योंकि विद्यालय में मैं शिक्षक हूँ, तो दिन में तो समय मिलना ही नहीं है, तो बस अब आप प्रेशर का मैं पेशेंट हो गया हूँ, इसलिए डॉक्टर के सलाह के वजह से अब सुबह में 1 बैच और शाम में 1 बैच, बस 2 ही बैच पढ़ा रहा हूँ। बच्चे तो काफ़ी प्रेस करते हैं कि और बैच बढ़ाया जाए, लेकिन अब हो नहीं पाएगा, ज़्यादा अब प्रेस हम करेंगे, प्रयास करेंगे, तो फिर हमारा शरीर को दिक्कत हो जाएगा। सर, गवर्नमेंटी टीचर आप कब बन गए? इसी बीच मैं पढ़ाता था, आर्थिक स्थिति सही थी नहीं, तो शिक्षा मित्र की बहाली 2003 में निकली जी। नहीं तो हम अपना राय दिए परिवार के लोगों से, तो और सारे भी हमारे फादर के मित्र जो लोग थे कहते थे कि एमए करके 1500 रुपया में क्या पढ़ाइएगा, अच्छा नहीं है। हम इस बात पर ध्यान नहीं दिए, हम सोचे कि हम जब सरकारी स्कूल में जाते हैं, सरकारी स्कूल में गरीब के बच्चे रहते हैं,
हमारे पास क्वालिटी है, हम उनको संवारेंगे, हम उनको पढ़ाएंगे। इसी व्यू से हम 1500 रुपया में ज्वाइन किए प्राथमिक विद्यालय बहादुरपुर में। वो भी 12 महीना पढ़ाना था, 11 माह का पेमेंट मिलता था, 1500 रुपया महीना, और पेमेंट के लिए पंचायत सभा का मुखिया के पीछे पीछे घूमते रहिए। फिर भी उतना अफसोस नहीं होता था, क्योंकि बच्चों से इतना लगाव हो गया था कि अपना ध्येय यही था कि चलिए हमसे बच्चे तो लाभान्वित हो रहे हैं और अपना भी कुछ काम चल रहा है। उसी 1500 रुपया से पढ़ाते पढ़ाते आज माशाल्लाह बहुत अच्छा है, नहीं कि इस बार की दिक्कत नहीं है, और आगे भी उम्मीद की जा रही है कि कुछ बढ़ेगा। सर, 27 सालों में आपका कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो आपके लाइफ में जिसे खुद आप रिपेंट करते हो? 27 सालों के टीचिंग लाइन में अगर देखा जाए तो कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ आपके लाइफ में जिससे कि खुद पर रिपेंट हो आपको? अब है कि मेरी इच्छा थी कि मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से जा कर के MA करूँ, ठीक है, जिसके वजह से BA करने के उपरांत एक वर्ष मैं कहीं नामांकन नहीं करा सका। इच्छाएँ तो थी वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए, लेकिन आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। तो लास्ट में सोचे कि अलीगढ़ में भी नहीं होगा और यहाँ भी नहीं हो, अफसोस रह जाएगा। तो ये बहुत अफसोस रहा मुझे कि अलीगढ़ में मेरा नामांकन नहीं हुआ, जिस कारण से न हो, आर्थिक स्थिति उसमें बहुत बड़ी मुद्दा थी, और कोई विशेष कोई घटना है नहीं। सर, एक और अंतिम सवाल ये रहेगा, आप 27 सालों से पढ़ा रहे हैं बढ़रिया और बहादुरपुर के लड़कों को, जी कई ऐसे लड़के सफल मिले हैं आपको ज़िंदगी में, कोई ऐसा लड़का है जो कि आपको नज़र में सफल हो और काफ़ी अच्छे मुकाम पर चला गया हो, कोई एक भी लड़का? बहुत अच्छा है, एक तो बच्चा जादव नाम करके धर्म परसा का लड़का है जी, जो नेवी का परीक्षा दिया और उसमें इंग्लिश की बहुत अहमियत थी, मेरे पास पढ़ करके गया और फर्स्ट अटेम्प्ट में उसका सिलेक्शन हो गया। वैसे बहुत सारे बच्चे हैं कि ना जो कामयाब हुए, हाँ BBCS स्पोकन वाले जो हैं, संजीव कुमार जी जो अभी BBCS स्पोकन प्लस BBC इंग्लिश स्कूल चलाते हैं सीवान में, और बहुत अच्छे राइटर हैं, ग्रामेरियन हैं, बहुत सारे किताबें उन्होंने लिखा है और उनकी किताब की मांग पूरी इंडिया में है, ठीक है। तो ये मेरे लिए बड़ी उपलब्धि है कि मेरे एक प्यूपिल शिष्य होकर के इस ऊंचे मुकाम पर पहुंचे, मेरे लिए बहुत हर्ष की बात है। वैसे उनके जैसा और सारे बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो देश दुनिया में जा कर के, विदेशों में जा कर के अपने इज्जत प्राप्त कर रहे हैं इस इंग्लिश के बदौलत, ठीक है ना। और मुझसे कहते हैं कि सर मैं यहाँ पर इंग्लिश पढ़ा और मुझे जा कर के बाहर में जगह विदेश में गए, या इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन जब लिए, ठीक है, तो यहाँ तो इंग्लिश जानते नहीं थे, और इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के बाद सारी किताब इंग्लिश में होती है, टीचर्स वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते थे, लेकिन जब यहाँ से इंग्लिश स्पोकन ग्रामर सीख करके गए तो उनको सारी बात समझ में आने लगी, सारी पढ़ाई समझ में आने लगी, और इंग्लिश जब बोलने लगे ना तो वहाँ के प्रोफेसर जो थे, टीचर्स जो थे, बहुत उनको रिगार्ड करते थे। यह बात सुन करके मुझे बहुत हर्ष होता है। एक और सवाल है कि सर, आपके पास इतना दिनों में टीचिंग के प्रोफेशन में कई ऐसे शादीशुदा लड़के लड़कियाँ या ऐसे गल्फ से कमा कर कई ऐसे लड़के आप में आए? जी जी जी, हर बच्चे आते हैं, बहुत सारे बच्चे, अभी भी कुछ ऐसे बच्चे आ रहे हैं जो मैरिड हैं, 8 साल 10 साल विदेश में रहे जी, पैसा कमाए, लेकिन उनको वहाँ पर लगा कि इंग्लिश के बिना हमारा न तो प्रमोशन हो रहा है न पेमेंट बढ़ रहा है, तो वहाँ से छुट्टी लेकर के 3 महीना के लिए आते हैं और आ करके मेरे पास पढ़ते हैं और अच्छी तरह से सीख करके जाते हैं, और जब वहाँ पर जाते हैं तो उनको अच्छी कामयाबी मिलती है, बहुत खुशी होती है इस बात को सुन करके। अंतिम सवाल ये रहेगा, जब आप स्ट्रगल के टाइम आप पढ़ाना भी शुरू किए थे और पढ़ भी रहे थे जी जी, लेकिन उस वक्त कोई गरीब बच्चा जाता था तो क्या कुछ उस वक्त आपने राहत देते थे? उस वक्त उसी समय नहीं, हम इस 27 साल के अवधि में पूरा मेरा यह ऐलान रहता है कि जो बच्चा गरीब मजबूर है, यतीम है, वो बिल्कुल हमारे पास आवे और फ्री ऑफ कॉस्ट पर है, हम उनसे पैसा नहीं लेते हैं, और बोल दिए हैं कि पैसा के वजह से अगर पढ़ाई छूट रही है तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, पैसा नहीं है आप हमसे कहिए, आप आइए फ्री में पढ़िए, और उसके अलावा भी मैं किताब का भी पैसा दे देता हूँ। ऐसी मेरी मनोकामना है कि नहीं, ऐसे मेरी सोच है कि हम गरीब बच्चों की सेवा करें, पैसा तो कमाना है, पैसा तो मिलता ही रहता है, सारे पैसे पैसे देते हैं, उसमें 5-10 बच्चे अगर पैसे नहीं दे तो क्या उनकी पढ़ाई नहीं होगी? हम उस गरीबी के दौर से गुजरे हुए हैं, इसलिए गरीब बच्चों के लिए, चाहे वो लड़के हो लड़कियाँ हो, उनके लिए दरवाज़ा हमेशा खुला हुआ है, और अभी भी हर बच्चे में गरीब बच्चे आते हैं जो कुछ पैसे नहीं दे पाते हैं। मैं पढ़ाता हूँ
और इंशाल्लाह ये प्रक्रिया आगे तक भी चलती रहेगी। आज महालम सर थे और टीचर्स डे था, और टीचर्स डे पे टीचर का दर्द को बयान न किया जाए तो मुझे उचित नहीं लगता है कि एक पेन डायरी देकर सर का मनोबल हम ऊंचा कर सकते हैं। हम सर का मनोबल ऊंचा कर सकते हैं तो उनके बारे में जानकर, उनकी जीवनी में जानकर, चूँकि जो महालम सर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जानना चाहते हैं कि आखिर महालम सर का स्पोकन कहाँ से हुआ, कहीं बाहर से पढ़ें या बहड़िया से पढ़िए, सिवान से पढ़ें। लेकिन ये बात निकल कर आज सामने आया है कि सर कहीं बाहर नहीं पढ़े, बढ़रिया और सिवान में रहकर पढ़ाई पीरियड में भी अपना ज़िंदगी को सवारे और एक अच्छा स्पीकर बने, और अच्छा स्पीकर बनकर कई ऐसे स्पीकरों को ज़िंदगी सवार दिए हैं। कई ऐसे लोग हैं जो कि सर के पास सीखकर और अच्छा पैसा कमाते हैं और इज्जत ही भी कमाते हैं। एज काफ़ी सर का हो चुका है, 27 सालों से स्पोकन पढ़ा रहे हैं। मेरा व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में बात करना इसीलिए उचित बनता था चूँकि सर जो हैं ये 27 साल से, यानी सबसे पहली बार 1999 में अपना नींव रखे थे बढ़रिया में, जो कि तरावारा रोड में, और वहाँ से रखकर आजकल इन टीचिंग कराते हैं, जो कि मैं लोकेशन बता देता हूँ, जमुनागढ़ के जस्ट बगल में टीबीएस एजेंसी के इन फ्रंट ऑफ सामने है, और वहाँ पर सर अपना स्पोकन चलाते हैं। इनके निजी आवाज़ से वहीं पर शाम सुबह बेच अपना चलाते हैं। और इस सर से बात हुआ तो बातचीत के दौरान मैं बताया कि 8-10 साल का मैरिड लोग भी मेरे पास स्पोकन सीख लेते हैं। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मैं हूँ आपके साथ यूनुस साहबुद्दीन के साथ। धन्यवाद।